अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज कुलजम और आप देख रहे हैं टाइम स्टूडियो। गाइज, आज हम बात करेंगे दांतों को हम सफ़ेद कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सी अच्छी अच्छी पेस्टें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दांतों का पीलापन ख़त्म नहीं होता, ये पलाहट ज़रूर रहती है। कुछ लोग तो इतने ज़ोर से ब्रश करते हैं कि आधा आधा घंटा लगा देते हैं, इसके बावजूद भी दांत वाइट नहीं होते। बड़े मसाइल हैं, कुछ लोगों में दांत दर्द करते हैं, मसूड़ों में दांतों में खला भी आ जाता है, स्पेस बन जाती है, बड़े मसाइल हैं इस तरह के। तो आज हम बात करेंगे इस मामले पे कि हम अपने दांतों को कैसे वाइट कर सकते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि ब्रश जो करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 मिनट है, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करते। अमूमन जब आपने ब्रश करना, 1 से 1.5 मिनट तक ब्रश करना होता है। अगर आप बहुत अच्छी अपनी चाहते हो कि सफाई हो जाए, तो मैक्सिमम 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो लेट स्टार्ट हम करते हैं जी शुरू के कैसे हम कर सकते हैं। आप जो भी अपने घर में जो भी पेस्ट आप इस्तेमाल करते हो, आपने वही यूज़ करनी है। इसके अंदर आपने एक चुटकी लेना है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है वो आपने एक चुटकी लेनी है, उसके अंदर डालना है। और इसके अलावा आपने बड़े ध्यान से बड़ी एहतियात के साथ हाइड्रोजन फ्री ऑक्साइड वॉल्यूम 20 जो होता है हाइड्रोजन, उसका सिर्फ एक कतरा आपने उसके ऊपर डालना है। उसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर ले, उसके बाद ब्रश करें। ब्रश करने के बाद आप अपने चेहरे को, दांतों को, मुंह को वॉश कर ले, तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपके दांत बहुत वाइट हो जाएंगे, मैल कुचैल प्लाहट सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ की एहतियात करिए कि आपने ये अमल एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इंशाल्लाह ताला जब आप पहले दिन करेंगे, पहली बार करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट पहली बार ही मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इस्तेमाल करके मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर कोई मसला हो तो मुझे वो भी बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।